हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज भी बाइक पे ही आए हैं, तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है और हम आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। खाते एक ही टेम्पल है, बहुत मस्त है और ये पहाड़ों के बीच में, थोड़ा थोड़ा खेतों के रास्ते में ही है। तो अभी चलते और देखते, लेट्स गो। हम कुछ सिनेमैटिक्स और कुछ शॉट्स लेंगे अच्छे अच्छे, जो ब्लरी आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। भगवती टेम्पल ये हमारे गाँव के पास जो खेत है ना, भगवती टेम्पल, तो यहाँ पे खेतों के बीचों बीच है। गाइस, भगवती टेम्पल ये हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे खेत ही खेत है, तो यहाँ पे अच्छा व्यू आता है, इसलिए हमने यहाँ शूट किया। ये देख सकते हो पहाड़, ऐसे आगे बहुत कई पहाड़ है। तो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट शूट लिया। हम कुछ सिनेमैटिक्स और अच्छे ब्लरी शॉट्स रिकॉर्ड करेंगे, वो भी वीडियो में दिखाएंगे। वो लगी हमारी बाइक सामने ही। हम ऊपर जा रहे थे लेकिन हमने सोचा नीचे ही अच्छा व्यू आ रहा है, नीचे छोटा सा तालाब भी था। तो चलो, यहाँ जब बारिश गिरती है तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है और ऊपर पूरा वाइट कॉटन जैसे हो जाता है और ऊपर से कीचड़। ये देखो व्यू, एंजॉय द व्यू गाइस। अच्छी, बहुत ठंडी वाइंड चल रही है यहाँ पे। ये ग्रीनरी मुझे अच्छी लगती है पे। और मंदिर में चलते, लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम मंदिर पे। तो ये एक छोटा सा मंदिर और आगे एक भगवती माता का मंदिर है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं माँ भगवती माता मंदिर ऐनपुर पे। तो गाइज, यहाँ पे पानी पीने की सेवा भी है, बट ये ख़राब हो चुकी है। ये रात को इसमें एक्सटेंडेड बैटरी लाइट। तो पर बजरंगबली जी का और एक मंदिर है, वो भी दिखाते आपको। चलो गाइज, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, ये देखिए गाइज। ये मंदिर के पीछे का व्यू है, लुक एट दैट। झोपड़ी, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा रेनफॉल हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत बार गांव गांव से साधु जी आते हैं, यहाँ वो खुद खाना पकाते और वो यहाँ पे रहते हैं। फिर चलते हैं नीचे, बड़ा सा इमली का पेड़ भी है, बहुत बार लगती है यहाँ पे। लोग, बच्चे लड़के पत्थर मारते और बहुत बार उनके सिर में भी गिरता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।